प्रणाम दोस्तों। किसी पेड़ के नीचे एक सिद्ध पुरुष तपस्या में लीन थे। उसी पेड़ के ऊपर एक कौवा बैठा था। कौवा कुछ सोच रहा था और सोचते सोचते रोने लगा। कौवे की आंख से आंसू निकला और सिद्ध पुरुष के हाथ पर गिरा। सिद्ध पुरुष ने ऊपर देखा, एक कौवा बैठा है और रो रहा है। उसने कौवे से पूछा कि भाई तुम क्यों रो रहे हो? तो कौवे ने कहा, तो क्या करूं, भगवान ने मुझे रंग दिया है, वो भी काला कलूटा। किसी के घर की मुंडेर पर बैठता हूं, कांव कांव करता हूं तो लोग मुझे भगा देते हैं। मैं अपने रंग को लेकर बहुत परेशान हूं। सिद्ध पुरुष ने कहा, तो तुम क्या बनना चाहोगे? तो कौवा ने कहा कि मुझे हंस बना दो। सिद्ध पुरुष ने कहा, मैं तुम्हें हंस बना दूंगा, लेकिन एक शर्त है कि आप एक बार हंस से जाकर मिल लो। कौवा उड़ता हुआ हंस के पास पहुंचा। हंस पानी में तैर रहा था। जाते ही उसने कहा, वाह क्या लाइफ है तेरी, कितना सुंदर है सफेद कलर पानी में तैरता हुआ, कितना लोग तुझे देखने के लिए आते हैं, लोग तेरी चाल पे इतना मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, कितना सुंदर लगता है तू। हंस ने कहा, कौन बोला? मैं अपने कलर से खुश नहीं हूं। सफेद कलर मौत के बाद का कलर होता है, कफन का कलर होता है। मैं पानी में जब तैरता हूं तो पानी के साथ मिक्स हो जाता हूं। लोग मेरी फोटो खींचते हैं कि पानी की खींचते हैं, मुझे पता ही नहीं चलता है। मैं अपने कलर से खुश नहीं हूं। दोनों सिद्ध पुरुष के पास पहुंचते हैं। सिद्ध पुरुष ने पूछा, तो हां क्या निर्णय लिया तुमने? तो कौवे ने कहा, खुश नहीं है ये भी अपने जीवन से। तो उसने हंस से पूछा, क्या बनना चाहते हो? हंस ने कहा, तोता, पैरट, तोता बना दो। साधु ने कहा, शर्त वही है, एक बार तोते से जाके मिल लो। दोनों उड़ते उड़ते एक पेड़ से गुजरते हैं। देखते हैं उन्हें कहीं तोता नजर नहीं आता। फिर चिल्लाते हैं, तोतो तोतो। पेड़ से आवाज आती है, हाँ हाँ इधर है हम। दोनों कहते हैं, वाह क्या चोंच है तेरी लाल लाल, क्या कलर है तेरा हरा, कितना सुंदर है, लोग तुझे मिट्ठू मिट्ठू बुलाते हैं, घर में पालते हैं, बादाम खिलाते हैं, क्या लाइफ है तेरी। तोते ने कहा, कौन बोला? ये कोई कलर है? ये कोई लाइफ है? घर में लोग कैद करके रखते हैं हमें, और तुम इस पेड़ के चार पांच चक्कर लगा रहे हो, हरा कलर है, पत्तों का कलर है, पेड़ का कलर है, तुम्हें दिखाई दिया, बिल्कुल मिक्स हो गए, ये कोई कलर है? ये जीवन ही बेकार है, तोते की लाइफ बिल्कुल खराब होती है। तो तोते को भी साथ लेके तीनों सिद्ध पुरुष के पास आए। तो बोले, तोता बना दूं सबको? कौवे ने कहा, नहीं। हंस ने कहा, नहीं। तोते से पूछा, क्या बनना चाहते हो? उसने कहा, मोर बना दो। तो बोले, शर्त मेरी वही है, जाओ और मोर के पास जाकर के आओ। तीनों मोर के पास जाते हैं। मोर नाच रहा होता है। जाके तीनों कहते हैं, वाह क्या लाइफ है तेरी, जब तू पंख फैलाकर नाचता है तो उमड़ उमड़ के घटाएं इधर उधर भागने लगती है, लोग तेरी सुंदरता को देखने आते हैं, कितना खुश नसीब है तू, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, बहुत तेरी तो किस्मत वालों को मिलता है मोर का जन्म। मोर ने कहा, कौन बोला? मेरी कोई लाइफ है? कोई किस्मत है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी हूं मैं, लेकिन लोग मेरी पंखों को छीन ले जाते हैं, मुझे मार देते हैं, और मेरे पैरों को देखा है, मैं अपने पैरों को देखता हूं तो मुझे रोना आता है, ये कोई लाइफ है? पल पल खतरा होता है, कब कोई शिकारी आएगा और मुझे मार देगा और मेरे पंख को छीन ले जाएगा मुझसे, ये बिल्कुल लाइफ खराब है। तो वो लाइफ कैसी होनी चाहिए? मोर ने कहा, तेरे जैसी। कौवे को बोला, तेरे जैसी, तू काला कलूटा जो भी है, लेकिन कोई तेरे पास नहीं आता, तुझे नहीं पालता, तुझे मरने का खतरा नहीं है। चिकन बिरयानी सुना है, लेकिन कौवा बिरयानी सुना है कहीं? नहीं। तुझे कोई खतरा नहीं है, तू बिल्कुल सेफ है, लाइफ हो तो तेरे जैसी। चारों साधु के पास जाते हैं और साधु फिर पूछते हैं, क्या बनना है तुम्हें फाइनली? तो सब ने कहा कि हम जैसे हैं हमें वैसा ही रहना है।
दूसरे से तुलना नहीं करने का। अपनी तुलना किसी के साथ मत करो, आप यूनिक हो, आप जैसा दुनिया में दूसरा कोई भी नहीं हो सकता। आप जो कर सकते हैं वो कोई और कर नहीं सकता। आप अपने आप को पहचानिए और अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए आज से ही लग जाइए। दोस्तों, आपको टाइगर श्रॉफ बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर टाइगर श्रॉफ भी यही सोचता कि मुझे ऋतिक रोशन जैसा बनना है तो टाइगर श्रॉफ का जन्म ही नहीं होता, वो ऋतिक जैसा ही होके रह जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता है। शुरुआत में विनोद खन्ना ने भी ये सोचा था कि मैं अमिताभ बच्चन बन के रहूँगा, लेकिन उसका एक अलग ही अस्तित्व हो गया जो कि अमिताभ बच्चन के डुप्लीकेट के रूप में आए थे। शक्ति कपूर भी अमिताभ बच्चन के डुप्लीकेट के रूप में ही आए थे, लेकिन उनका अपना ही एक अस्तित्व हो गया शक्ति कपूर विलियन के नाम से। राजू श्रीवास्तव भी अमिताभ बच्चन के डुप्लीकेट के रूप में ही आए थे, लेकिन उनका भी एक अपना ही एक अस्तित्व हो गया कॉमेडियन के रूप में। इसलिए आप अपनी तुलना किसी के साथ मत कीजिए, आप एक यूनिक हो और आपको अपनी एक इमेज बनानी है। अगर सचिन तेंदुलकर, वो उसकी अलग इमेज है, अब्दुल कलाम जी है उनकी एक अलग इमेज थी। यानी हर कोई यूनिक होता है और अपने आप से आपकी जिस दिन पहचान हो जाएगी उस दिन आप कुछ कर जाएंगे, आपका नाम होगा, लोग सैल्यूट करेंगे आपको। जय हिंद, जय भारत।